नमस्कार दोस्तों, टेरा ऑर्गेनिक्स में आपका स्वागत है। अगस्त यानी कि मॉनसून सीजन बीज उगाने के लिए सही समय है। आज हम देखेंगे बीज उगाने के कुछ खास तरीके और टिप्स। टिप नंबर वन, जैसे आप देख सकते हो, कोकोनट कॉयर इस्तेमाल करने से रूट्स अच्छे से फैल जाते हैं और सैपलिंग बहुत ही हेल्दी ग्रो होता है। ये स्वीट कॉर्न का सैपलिंग है जिसे हमने बीज से उगाया था। टिप नंबर टू, बीज को डाइल्यूट गोमूत्र या कव यूरिन में कुछ घंटे भिगाने से जर्मिनेशन रेट बढ़ जाती है। चलिए विंग्ड बीन सीड को उगाते हैं। इसका और एक नाम है गोवा बीन। बीज का साइज बड़ा होने के कारण हमने इसे ओवरनाइट भिगाया है। टिप नंबर थ्री, हमेशा सीड के डबल डायामीटर डेप्थ में हमें मिट्टी के अंदर इसे डालना है। टिप नंबर फोर, ध्यान रखना है कि ऊपर हिस्से का मिट्टी सूखने पे इसका वाटरिंग करें। ज़्यादा वाटरिंग करने से सीड स्रॉट की समस्या हो सकती है। अब हम ड्रमस्टिक के बीच डालेंगे। इस बार कंटेनर में नहीं बल्कि कोकोनट शेल में। अच्छे ड्रेनेज के लिए आप इस तरह नारियल शेल में तीन छेद बनाइए। कोकोनट कॉइल इस्तेमाल करने से ना सिर्फ रूट्स अच्छे से फैल जाते हैं बल्कि सैपलिंग को ट्रांसप्लांट करना आसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सीड्स खाने के लिए चींटियां आते हैं। टिप नंबर फाइव, रेड एंट्स को रिपल करने के लिए आप पॉट मिक्स में थोड़ा दालचीनी पाउडर मिलाइए। इस पॉट मिक्स में हमने ज़्यादा कोकोपीट का इस्तेमाल किया है क्योंकि सीड स्प्राउट होने के लिए मिट्टी लूज होना ज़रूरी है। टिप नंबर सिक्स, बीज को डालने के बाद सीडलिंग ट्रे या कंटेनर को आप 4 से 5 घंटे धूप में रखिए। बारिश के समय पौधों का सुंदरता दुगना हो जाता है।